राधे राधे दोस्तों, कैसी हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है थप्पड़। सोनम सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी। तभी उसको डोर बेल की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोला, देखा तो काम वाली महरी बबीता थी। अरे बबीता, तू आज क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने आज आने के लिए। आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो क्यों आई? मैं कर लेती आज सारा काम खुद ही। हाँ भाभी, लेकिन साहब को पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया था। और अगर आज मैं नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचा सुबह जल्दी सारा काम जल्दी से निपटाकर बाजार चली जाऊंगी। बेटी के लिए तोहफा भी लाना है, इसीलिए मैं आज आ गई। ऐसा बोलकर बबीता काम में लग गई। बबीता को 2 साल पहले ही सोनम के पति ने घर के काम करने के लिए रखा था। बबीता बातूनी थी, सोनम उससे बात करके अपना गम भूल जाती। आज बबीता के चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी, सोनम ने पूछा। पूरे 10 वर्ष की हो जाएगी भाभी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। मोबाइल पर फोटो देखी थी तो उसको वही चाहिए, तो सोचा दिला दूं, आखिर उसके लिए ही तो कमाती हूँ। भाभी, आज खाने में कढ़ी चावल कलौंजी बना दूं? बबीता ने कहा। हाँ बना दे, वैसे भी बस मुझे ही खाना है, आज सब बाहर ही खाने वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे लेती जाना, मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। साहब का रूम अच्छे से साफ करना, तुझे तो पता ही है कि थोड़ी सी गंदगी भी दिखी तो गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, सोनम ने कहा। जी भाभी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। बबीता ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी, एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 3 साल हो जाएंगे, सोनम ने कहा। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है, बबीता ने कहा। सोनम ने टीवी देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो कल घर में खूब जश्न होगा ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा, सोनम ने कहा। ऐसा क्यों? पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला आपको। साहब की कितनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी, ऐसा क्यों? सोनम ने कहा। अरे तू यहाँ मुझसे बातें ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी की जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? सोनम ने बात को टालते हुए कहा। अरे हाँ, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर बबीता काम निपटाकर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। सोनम ने देखा तो उसकी सास गिरजा जी का फोन था। गिरजा जी एक समाज सेविका थी जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता का फैलाने का काम करती थी। वो समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। सोनम ने फोन उठाकर हेलो कहा तो वो कहने लगी, सोनम तुम्हारी शादी की सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार लाइव स्टार होटल बुक कर लिया है, इस बार घर पर जश्न नहीं होगा। गिरजा जी ने कहा, लेकिन माँ जी मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है। सुन लिया पवन, गिरजा जी ने कहा। सोनम को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके पवन को भड़काने का काम किया है। इतना सुनते सोनम के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी है, ना ही किसी पार्टी में जाना है, सोनम ने लड़खड़ाती हुई जुबान में डरते हुए अपनी मन की बात कही। तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला जाए उतना ही करो, ज्यादा जुबान चली तो पता है ना, चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी? इतना कहकर फोन काट दिया। सोनम वही सोफे पर धम से बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उससे पुरानी भूली बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताजा हो गए। वो सोचने लगी,
कैसे भूल जाऊं कि जो पिछले साल पवन ने मेरे साथ किया। वैसे तो हर रोज ही होता है, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने पार्टी में पवन ने सोनम पर हाथ उठाया था। कितना रोई थी तब सोनम, सब वही थे उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने सबके जाने के बाद कहा, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुहाई देकर सोनम को रोता हुआ छोड़कर चले गए। सोनम के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गया था। 5 साल की थी सोनम उस वक्त। बड़े होने पर पवन से उसकी शादी चाचा चाची ने पैसों के लालच में कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। किसके पास जाए अपना दुख कहने, तलाक लेकर अकेली रहने में भी डरती थी। दुनिया क्या कहेगी, कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। पवन और गिरजा जी उसे बात बात पर धमकी देते कि अगर हमसे बैर लिया तो फिर ना घर की बचोगी ना घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, बदनामी होगा सो अलग। मतलब इसमें कुल मिलाकर सिर्फ तुम्हारा ही घाटा है। रूपा डर के मारे उनके मार पीट और घरेलू अत्याचार हर रोज सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि पवन की हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मार पीट करना, गाली ग्लौज करना, अब तो यह आम बात हो गई थी। ये सब सोचते सोचते सोनम का सिर दर्द करने लगा था। तभी डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो पवन सामने खड़े थे। इतनी भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आए। तभी पवन ने कहा, जाकर खाना लगाओ। पवन के लिए सोनम खाना लगाने लगी। पवन खाना खा रहा था, सोनम वही पास में खड़ी थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ सोनम के गालों पर पवन ने मारा। ये कहते हुए कि स्टैंडर्ड खाना बनाने नहीं आता, कम से कम बनवाना ही तो सीख लेती, और खाने की थाली छोड़कर उठ कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना, समझी। सोनम गाल पर हाथ रखे वही जमीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता पवन घर पर ही खाएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते रोते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह पवन ने पैर से सोनम को मार कर जगाया तो सोनम सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना पैसा शोहरत ऐसो आराम सब कुछ था उस घर में सोनम के लिए, सिवाय उसके आत्म सम्मान और प्यार के। दुख मन से सोनम ने पवन के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके पवन ऑफिस चले गए। तभी बबीता आ गई। आज बातुनी बबीता भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। सोनम ने उसे चुपचाप देखकर अपने साथ रात को हुए मारपीट को भूलते हुए पूछा, बड़ी शांत है आज, बताया नहीं कि कैसा रहा तेरी बेटी का पार्टी। कि तभी सोनम की नजर बबीता पर गई, तुझको ये चोट कैसे लगी, कहीं गिर गई थी क्या तू, इसीलिए तू आज इतना शांत है, बता तो सही क्या हुआ है। इतना सुनते बबीता की आंखों में आंसू आ गए। भाभी क्या बताऊं, कल रात मेरे मर्द ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा और सारे पैसे छीन लिए, बेटी का जन्मदिन भी खराब कर दिया मर्द ने। क्या, सोनम ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भाभी, बबीता ने सिसकते हुए पूछा, फिर क्या हुआ, क्या होगा भाभी, हम औरतों के नसीब में मर्दों के हाथ मार खाना ही लिखा हुआ है। आप पढ़ी लिखी होकर भी आज तक साहब से मार खाती आई हो तो अनपढ़ ठहरी मैं। बुरा तो तब लगता है जब बेटी ये सब देखकर रोती है, आपको तो अभी बच्चे नहीं है इसीलिए आप अकेले ही दुख सहती हो। मुझे तो बेटी को देखकर रोना भी आता है और चिंता भी, कहीं आगे चलकर इसके साथ भी ये सब हुआ तो पता नहीं। भाभी, शादी से पहले जब अपनी माँ को मार खाते देखती थी तब माँ को कहती थी कि हिम्मत क्यों नहीं करती, मैं तो शादी के बाद अपने पति से अपना हिसाब साफ मांगूंगी, इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार।
कब तक बर्दाश्त करूंगी। तब माँ कहती थी, चुप कर पगली, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद पता चला वो वाकई बचपना था। हकीकत तो शादी शुदा औरतों का यही है कि उनको अत्याचार बर्दाश्त करने ही होते हैं। जैसे आप छिपा रही हो थप्पड़ के दाग, भाभी मेकअप से दाग छिप सकता है, मिट नहीं सकता। ऐसे मत देखो मुझे, मुझे सब कुछ पता है। मुझे क्या, पूरी सोसाइटी को पता है, बस कोई सामने से बोलता नहीं। सोनम आश्चर्य से बबीता को देखते रह गई। आज उसको बबीता की बातें चुभ गई। बबीता अपना काम निपटा कर चली गई, लेकिन सोनम सोचने लगी। तभी पवन का फोन आया। सोनम सुनो, मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली आना। सोनम ने मन मार करके हाँ कह के जवाब दे दिया और शाम को तय समय पर सोनम होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी, सभी मेहमान आ चुके थे। तभी सोनम भी वहां पहुंच गई। अमीरों की महफिल में मेकअप से लिपे पुते चेहरे जाम से जाम टकरा रहे थे। पवन की नजर जैसे ही सोनम पर गई, वो उसका हाथ घसीटते हुए होटल के एक कमरे में लेकर आया। आउच, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलिए क्या हुआ है पवन, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ बोलिए तो सही, सोनम ने कहा। इतने में पवन ने सोनम को गुस्से में घूरते हुए बोला, बेवकूफ गंवार औरत, तुम्हें मैंने बोला था ना कि आज अच्छे से पार्लर में जाकर मेकअप कराना और कपड़े पहनना, और तुमने क्या पहन लिया, कैसा मेकअप किया है, सोनम ने कहा। लेकिन मैं तो तुम्हारे पसंद की पार्लर में ही जाकर तैयार हुई हूँ। दो कौड़ी की औरत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी, अभी बताता हूँ तुम्हें। पवन ने सोनम का हाथ पकड़कर उसके बालों को पकड़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया सोनम के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए, तभी सोनम में आज ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने पवन का हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथों से उसने उसको आज एक के बाद एक लगातार कई तमाचे मारे। पवन अपने दोनों गालों पर हाथ रखे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल सोनम को घूरे जा रही थी। आज सोनम ने डरने की बजाय हिम्मत से काम किया। हमेशा पीछा हटने वाली उसके दो कदम आज निडर होकर पवन की तरफ आगे, आत्मविश्वास बढ़े। पवन ने गुस्से में बोलना चाहा तो सोनम ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर पवन, आज तक सिर्फ मैं सुनती रही और तुम बोलते रहे, आज सिर्फ मेरी बारी बोलने की और तुम्हारे सुनने की। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे तुम जब चाहो जैसा चाहो खेलोगे, समझे। आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया या कोशिश भी की तो वो हाल करूँगी कि जिंदगी भर याद रहेगा, समझ आई बात मिस्टर सो कॉल्ड पवन सिन्हा। अगर चाहते हो कि पार्टी में कोई तमाशा ना हो और सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो चुपचाप पार्टी में चलो। दरवाजे पर खड़ी गिरजा जी सोनम के पास आई और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे, तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकी देने वाली, तू शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ। अगर हम तुझे छोड़ दे तो तू वापस रास्ते पर आ जाएगी फिर से, किसके दम पर इतना कूद रही है, ये फिल्म नहीं असल जिंदगी है। यहाँ तलाक शुदा या ससुराल से निकाली गई औरत की कोई इज्जत नहीं करता, तुझे पता नहीं किससे दुश्मनी मोल ले रही है। आदरणीय सासू माँ, आज आप भी चुप रहे तो बेहतर होगा। अपने आया शराबी पवन बेटे की शादी मुझसे इसीलिए कराई कि अनाथ गरीब लड़की चुपचाप आप लोगों के सब जुर्म बर्दाश्त करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चुप रहने की बारी आपकी, वरना जिस समाज और मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं, जो औरतें गिरजा देवी को न्याय और महानता की मूर्ति समझती है, वही औरतें समाज मीडिया जब देवी समझी जाने वाले गिरजा जी को खुद उसी जुर्म की सजा भुगतने देखेगी तो कितनी इज्जत रह जाएगी आपकी, जरा सोच कर देखिए।
जब गिरजा देवी की बहू मीडिया के सामने बोलेगी घरेलू हिंसा की बात तो क्या होगा, जंगल में आग की तरह। ये खबर हर मीडिया चैनल के ब्रेकिंग न्यूज में फैली होगी। उम्मीद करती हूँ अब आपके समझ में आ गई होगी मेरी बात। और क्या कहा आपने कि मुझे अगर आप लोग छोड़ देंगी या तलाक दे देंगी, तो वो गाना सुना है आपने, इसमें तेरा घाटा, इसीलिए बेहतर होगा मुझे आप ये धमकी ना दे, क्योंकि मेरे पास कानून है जहां मैं न्याय मांग सकती हूं। सही कह रही हूं ना, मेरी चुप्पी को आप दोनों ने मेरी कमजोरी समझ रखा था, पर अब और नहीं, अब बस मैं पढ़ी लिखी आस की नारी हूं, अपने सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूं, मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं। नारी कोई मूर्ति नहीं, इंसान है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मर्जी अब आप लोगों की, आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर सोच लो कि क्या करना है। मैं पार्टी में जा रही हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। हरि बोल।